गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वी आर हेयर टू डिस्कस द सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 9 इंग्लिश बुक, दैट इज बिहाइव, एंड इट इज हेल्प बुक ऑफ क्लास 9 इंग्लिश, एंड द सेकेंड चैप्टर इज द साउंड ऑफ म्यूजिक, एंड दिस चैप्टर कंप्राइजेज ऑफ टू पार्ट. सो लेट अस बिगिन द फर्स्ट पार्ट डिस्कशन इन दिस वीडियो. इन फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द एवलिन ग्लेनी, लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. एवलिन ग्लेनी जो कि बिना आवाज़ सुन के ही जान लेती है. गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन बैक हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. गॉड ने उसकी सुनने की शक्ति तो छीन ली थी, लेकिन उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी उसे मिल गया था. वॉट वी हियर सी फील्स, हम लोग क्या सुनते हैं वो महसूस कर सकते थे. फॉर मोर डीपली देन ऑफ अस, वह हमसे ज़्यादा महसूस, हम लोग सुन के जितना महसूस नहीं कर पाते थे, एवलिन उतना बिना सुने ही महसूस कर लेते. दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक ब्यूटीफुली, इसीलिए वो म्यूजिक को काफ़ी खूबसूरत तरीके से ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर पाते थे. नाउ हियर्स द फर्स्ट पैरा. रश आवर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. भूमिगत ट्रेन, जो मेट्रो ट्रेन होता है, अंडरग्राउंड ट्रेन बोला जा रहा है, तो भूमिगत ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर भीड़ भरे घंटों की भीड़ आप अपना स्थान लेने के लिए दौड़ी. अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन द 17, एक छोटी सी पतली सी लड़की जो 17 साल के हिसाब से भी छोटी लग रही थी, वॉज नर्वसली येट एक्साइटेड, वो काफ़ी नर्वस थी और उत्तेजित भी थी. एंड शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, और उसे महसूस हुआ कि ट्रेन आने वाली है. इट वॉज द फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. ये उसका पहला दिन था जो लंदन के काफ़ी सम्मानित रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में, उसका पहला दिन था जो स्कॉटलैंड की भूमि. एनफ फॉर अ टीनेज, जो स्कॉटलैंड की भूमि के से आने वाली पहली लड़की के लिए, किशोर लड़की के लिए था. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, सी वॉज प्रोफाउडली डीप. लेकिन इस जो छोटी सी जो संगीतज्ञ लड़की है, इस संगीतज्ञ बनने की इसकी जो चाहत वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, और इस लड़की किस तरह से यह प्रोफाउंडली बहरी होते हुए भी बुरी तरह से इसको सुनाई नहीं देता है, फिर भी यह किस तरह से अपने ही चुनौतियों का सामना करती है, इसके बारे में हम लोग को ये पढ़ना है स्टूडेंट. सेकेंड चैप्टर सेकेंड पैरा. एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. एवलिन ग्लेनी की जो सुनने की शक्ति थी वो धीरे धीरे कम हो गई. हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग इन ही वॉज रॉन्ग वेन द 8 ईयर्स ओल्ड. उसकी माँ गौर की कि एवलिन धीरे धीरे 8 साल की उम्र में उसके सुनने की शक्ति कम हो रही. एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. एवलिन पियानो बजाती थी. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डोंट मूव. वह जब उसके पेरेंट्स उसका नाम लेते थे वो मूव नहीं करते थे. आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हियर्ड. एकाएक रियलाइज हुआ कि वह सुन नहीं पा रही है. सेज इसाबेल ग्लेनी. फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस. फिर उसी समय अपने इस डीफनेस को, बहरेपन, बढ़ते बहरेपन को रोकने के लिए, ये डीफनेस को रोकने के लिए अपने फ्रेंड्स और टीचर से मिली. बट बाय द टाइम सी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डेटेरियोरेटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू द स्पेशलिस्ट. लेकिन उस समय तक वो उसके 11 होते होते तक क्लास का मार्क्स काफ़ी नीचे गिर गया, और उसके स्कूल की जो हेडमिस्ट्रेस मैम थी वो इसके पेरेंट्स को सजेस्ट किए कि इसे स्पेशलिस्ट के पास ले जाए. इट वॉज देन डिस्कवर्ड डैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली एम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. ये बाद में डिस्कवर हुआ चेकअप के बाद कि सीवियरली डैमेज हो गया, जो इम्पेयर्ड नर्व्स है वो धीरे धीरे डैमेज हो चुका है. दे वेयर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड. एडवाइस दिया गया कि इनको एक हियरिंग एड फिटेड करना होगा. एंड सेंड टू स्कूल फॉर द डीफ, और बहरों के स्कूल में भेजना होगा. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक. एकाएक सारा कुछ काला दिखने लगा. सेज एवलिन, एवलिन कहती हैं. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अस.
गिव अप। लेकिन एवलिन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। वो इच्छा कर चुकी थी कि वो साधारण लाइफ जिएंगी एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वो अपने इंटरेस्ट को म्यूजिक के इंटरेस्ट को बरकरार रखेंगी। वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ ज़ाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वॉन्टेड टू प्ले इट टू। एक दिन उन्होंने एक लड़की को ज़ाइलोफोन बजाते हुए सुना और उस समय से ये भी इच्छा रख ली कि ये भी उसे प्ले करेंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर पर क्यूशनिस्ट रॉन फॉप्स। ज़्यादातर टीचर उसे डिस्करेज किए, निराश किए, उसकी हौसला अफजाई ना करते हुए उसे और डीमोटिवेट कर दिया इन लोगों ने। बट एक टीचर थे रॉन फॉप्स, स्पॉटेड हर पोटेंशियल। रॉन फॉप्स जो एक टीचर होंगे उस समय के, उन्होंने उसके अंदर की पोटेंशियल को पहचाना एवलिन के। ही बिगेन टू ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने स्टार्ट किया दो बड़े बड़े ड्रम्स को दो नोट्स पे अलग अलग बजाना। डोंट लिसन थ्रू योर आई ईयर, इसे अपने कानों से नहीं सुना। ही वुड से, उन्होंने कहा, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको दूसरे जगह से सुनने की कोशिश करो। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम। मुझे हायर ड्रम फील हुआ फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। मुझे कमर के ऊपर से एहसास हुआ कि ये हायर ड्रम बज रहा है और लोअर ड्रम बज रहा है कमर के नीचे। फोर्ब्स से रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। इस समय वह एवलिन अब ये सेंस कर चुकी थी कि वह अलग अलग नोट्स को अपने अलग अलग बॉडी के पार्ट से महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। वह सीख चुकी थी कि अपने माइंड को और दिमाग को, बॉडी को कैसे खुला रख सकते हैं साउंड के वाइब्रेशन से। रेस्ट वॉज शीयर डिटर्मिनेशन एंड हर हार्डवर्क। अब बाकी सब तो इच्छा शक्ति और हार्डवर्क से पूरा हो ही जाएगा। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उस समय से वह पीछे कभी मुड़ के नहीं दिखी। सी टॉर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यंग ऑर्केस्ट्रा एंड बाई द टाइम सी वॉज 16। ये टू यूनाइटेड किंगडम की तरफ टूर की जब वो महज 16 साल की थी। एक ग्रुप यूथ के ऑर्केस्ट्रा वाले ग्रुप में, ऑर्केस्ट्रा समझते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्केस्ट्रा वह होता है जो म्यूजिशियन का एक बैंड होता है उसमें। तो इस छोटे से उम्र में उन्होंने महज 16 साल में एक युवा ऑर्केस्ट्रा वालों के ग्रुप में यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की और 16 वर्ष की आयु होते होते उसने संगीत को पूरी तरह से अपने जीवन में बनाने का निर्णय कर लिया। सी हैड डिसाइडेड टू मेक हर म्यूजिक इन हर लाइफ। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड ऑन द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी। रॉयल अकेडमी में ऑडिशन दिया और कितना ग्रैप्स किया मार्क्स को, हाईएस्ट मार्क्स। उस रॉयल अकेडमी के इतिहास में सबसे पहले बार हाईएस्ट मार्क्स ले आने वाली यही एक लड़की थी एवलिन। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। ये धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा वर्क से सोलो परफॉर्मेंस में आते गई। सोलो परफॉर्मेंस क्या है स्टूडेंट्स, वो सिंपल अकेला, जैसे ऑर्केस्ट्रा एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन है होता है बैंड, ये है सोलो परफॉर्मेंस, मतलब अकेला अकेला खुद का परफॉर्मेंस। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर्स कोर्स, 3 साल के कोर्स के बाद सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इस सभी के लिए एवलिन ने किसी साहसिक उपलब्धि का कोई संकेत स्वीकार नहीं किया। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यदि आप अपना काम को वर्क हार्ड करोगे, कठिन परिश्रम करते हो, तो आप जानते हो कि आप कहाँ जा रहे हो। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, ये पूरी ऊंचाई पे पहुंची। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउथ साउथ आफ्टर मल्टी परस्यूशनिस्ट विथ मिस्ट्री ऑफ सम थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट एंड ही टेक इंटरनेशनल शेड्यूल। संसार के सबसे लोकप्रिय बहुवाद्य यंत्र वादक के स्थान पर, जिससे 1,000 से अधिक वाद्य यंत्रों में महारत हासिल थी और जिसका बहुत ही व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था। इट इज ए इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो इफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। ठीक है, सुने बगैर ही बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के एवलिन को
काम करते देखना रोमांचित कर देता था। इन आवर टू आवर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड। एक दो आवर के डिस्कशन में वह एक शब्द भी मिस नहीं करते थे। मैन विथ बिजी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। बड़ी बड़ी मूछों वाले लोग मुझे परेशान करते हैं। सी लाफ्ड। वह हंसती हैं। इट्स नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स बिकाउस। क्योंकि सिर्फ उनके होंठ को ही नहीं बल्कि पूरे चेहरे विशेष रूप से आंखों को ही देखना होता है। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ ए स्कॉटिश लिल्ट। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मेरा स्पीच क्लियर था बिकॉज मैं 11 ईयर्स तक सुन सकती थी। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि उसने फ्रेंच कैसे सीखी और कैसे जापानी भाषा में मूल का ज्ञान प्राप्त किया। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वील मीट इन द सेकेंड वीडियो पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय।